सो हेलो गाइस, आई एम शुभदीप दत्ता एंड आई एम एन अलुमनाई ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई विल बी टेकिंग योर केमिस्ट्री क्लासेस, सो जस्ट बिगिन विद दिस स्लाइड। सो गाइस, वेलकम टू द टारगेट टॉप 100 रैंक एमएसटी सीईटी 2021। आई एम शुभदीप दत्ता, आई टीच केमिस्ट्री। द क्लास टाइमिंग्स आर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन, सो यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हेयर and never miss any of the classes, guys. I am an alumni of National Institute of Technology, Durgapur. I have some 5 plus years of teaching experience and I teach chemistry. I specialize in teaching IIT JEE and NEET along with various state entrance examinations such as the Maharashtra Common Entrance Test. Okay, so guys, you are at the Crack Maharashtra CET, which is India's largest e-learning platform. If you get the plus subscription of Unacademy, you can get access to the live and recorded courses from India's best educators. So guys, please get the plus subscription today and download the Unacademy learning app from the Google Play Store. Along with that, you can also join us on Telegram app. You have to just type the link. Once you download the Telegram app, you have to just type the link in the blue section on your URL so that you can click to join the group. Right, so guys, this is the monthly subscription plan and please do hurry up, because if you like delay it, it can go up by 15% the next month. Okay, so the monthly price is 2700 rupees only, and if you go for 24 months straight, then you can get a package of 21,600 rupees only. All this, say 21,600 rupees at the rate of 900 rupees per month for 24 months regularly, which means you don't have to pay anything for the next 2 years. Furthermore, if you use this code SHUBHDWEP, it can give you a 10% discount. For example, if you are choosing this 24 month subscription, then you can get a 2160 rupees discount, which means 2160 rupees discount. And please do use this code for this discount validity, right? If you want to take this discount, you have to use this code. Okay, so guys, we will begin with the session now, जिसमें हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस पहले पढ़ेंगे। देखो, साइंटिफिक नोटेशंस पढ़ना क्यों ज़रूरी है? साइंटिफिक नोटेशंस पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप चाहे फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो या मैथ ले लो, आप उसमें न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व करोगे और न्यूमेरिकल्स का कुछ ना कुछ एक आंसर आएगा। तो बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आपको राउंड ऑफ करके, है ना, या तो सिग्निफिकेंट अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर देना है। तो ये हम कैसे करेंगे अगर हमको साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स की नॉलेज ही नहीं होगी तो, है ना? हो सकता है हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करके आंसर अपना एकदम अच्छे से निकाल लें, लेकिन अगर हमें सिग्निफिकेंट नंबर्स की जानकारी नहीं होगी तो बच्चों क्या होगा कि आप आंसर अपना उस फॉर्मेट में नहीं दे पाओगे जिस फॉर्मेट में एग्जामिनर ने डिमांड कर रखा है। सही है? सो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग ही करेंगे साइंटिफिक नोटेशन से। लास्ट क्लास में हमने मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये सब देखा था। अब हम लोग एकदम काम की बात पर आ जाते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। सही है? चलो लेट्स बिगिन देन। साइंटिफिक नोटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी भी हम साइंस में डील करें, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, है ना, तो वी हैव टू डील विथ वेरी लार्ज नंबर्स एंड इनफैक्ट वेरी स्मॉल नंबर्स एज वेल, है ना। लार्ज नंबर जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इतने बड़े नंबर को लिखना, इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट, और इस इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए देर इज़ अ साइंटिफिक नोटेशन इन नंबर्स को शॉर्ट में लिखने के लिए, है ना। कैसे लिखते हैं बच्चों? एक हमारे पास फॉर्मेट है, ये क्या है, कैपिटल एन इंटू 10 क्या है, एक्सपोनेंट का बेस, और ये है पावर एक्सपोनेंट। तो देर आर टू नंबर्स हियर, वन इज एन एंड द सेकेंड वन इज स्मॉल एन, कैपिटल एन एंड स्मॉल एन,
सही है। इसमें आपको क्या करना है कि समझना है सबसे पहले तो कि ये एन क्या है। ये एन एक डिजिट टर्म है, ठीक है, मतलब जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये आपके वो हैं। और इसको भी लिखने का तरीका होता है, अभी मैं बताऊंगा। जैसे कि एन की वैल्यू इसके बीच में ही हो सकती है, 1 से लेके 1.00 से लेके 9.999 तक। इसका रीजन ये है कि अगर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड देखें तो पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि स्मॉल एन क्या हो सकता है। स्मॉल एन एक पावर है, वो पावर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर मीटर पर सेकेंड में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो देयर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जीरोस, है ना, एंड इन द बिगिनिंग देयर इज अ 3, तो इट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड। अब इतने बड़े नंबर को हमें कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए? इस तरह से देखो, यहाँ पे एन की वैल्यू इससे कंपेयर करो। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है? यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है ना, और यहां पे बेस कितना है? 10। और यहां पे स्मॉल एन की वैल्यू क्या है? 3, ठीक है। तो आपको कभी भी बड़े नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? इतना वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए एन की? एक नंबर होना चाहिए मैक्सिमम, उसके बाद डेसिमल, और उसके बाद आपका 0 आता है या 2 आता है या 3 आता है, जो भी आता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 9.999, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, है ना, तो लाइव चैट में आप पूछ सकते हो, और लाइव चैट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप लाइव चैट में पूछ सकते हो, है ना। अभी मुझे लाइव चैट में कोई भी क्वेरी नहीं नजर आती है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ जाऊं। आई होप कि आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। यूज ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, जैसा कि मैंने बताया कि साइंटिफिक नोटेशन का यूज क्या है, बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को शॉर्ट में लिखने का तरीका है ये, है ना। साथ ही साथ ये जो साइंटिफिक नोटेशन है इसके थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन? एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, या तो डिवीजन कर सकते हैं। ये सभी में ये चीज़ वैलिड है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। एक-एक करके ये चारों चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन किस फॉर्मेट में करना चाहिए, है ना। हम लोग यहाँ पे एडिशन सीख नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आंसर लिखना सीख रहे हैं कि अगर हमारा आंसर कुछ आ जाए एडिशन करके तो किस तरह से लिखा जाना चाहिए, ठीक है। देखो दो स्टेप है बच्चों इसके। पहला स्टेप क्या है कि आप जैसे मान लो ए प्लस बी को ऐड कर रहे हो, है ना, तो ए भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा, बी भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा, सही है। साथ ही साथ ए जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो उसका एक्सपोनेंट जो होगा वो बी के साइंटिफिक नोटेशन में जो एक्सपोनेंट है वो सेम होना चाहिए, है ना। और जो सेकेंड आपका रूल है वो क्या है कि कोफिशियंट्स आर एडेड, मतलब जो आपका एन था कैपिटल एन उसको यहाँ पे कोफिशियंट बोला जा रहा है, तो कैपिटल एन को हमें या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये दो डिजिट से बच्चों इनको हमें ऐड करना है, तो कैसे करें नेक्स्ट स्टेप में देखें। एडिशन फॉर्मेट में हमने लिख दिया, ठीक है, आपको ऐड करना तो आता है, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, नंबर्स कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि देखो ये 10 to the power 4 है और ये भी 10 to the power 4 है, तो पहला स्टेप तो इसमें ऑलरेडी डन था कि एक्सपोनेंट आपके सेम होने चाहिए, सही है। जब आपके एक्सपोनेंट आपके सेम है तो एक्सपोनेंट 10 to the power 4 वो कॉमन ले लेंगे, फिर बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर? 6.25 एंड 0.895, इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे।
तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार सब्सट्रैक्शन का लेते हैं। इस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर से, कैसे करेंगे सोचो, मैं आपको टाइम देता हूं, आप सॉल्व करो। देखें अभी देखो यहां पे एक्सपोनेंट क्या है आपका, बेस 10 to the power -2, यहां पर भी क्या है बेस 10 to the power -2, तो दोनों का एक्सपोनेंट अगर सेम है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन अगर ले लिया तो बचा क्या, ये 10 to the power -2 बाहर आ गया और अंदर बचा 2.5 -0.48। नेक्स्ट स्टेप में यहां पे आपने जब इसका सब्ट्रैक्शन कर दिया तो आंसर क्या आता है 2.02। देखो लास्ट में आपका आंसर साइंटिफिक फॉर्मेट में ही आना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में। उसमें क्या होगा, कोई एक नंबर होगा, उसके बाद आपका डेसिमल आना चाहिए और उसके बाद आपको बाकी बचे हुए नंबर लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, बेस 10 लेकर टू दी पावर समथिंग, मतलब यहाँ पे फिलहाल आंसर -2 है तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी हो गई -2। इस फॉर्मेट में ही आपको लास्ट आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें, देखो ये छोटा चैप्टर है, इसमें एक्चुअली आप केमिस्ट्री के बारे में नहीं सीख रहे हो उतना ज़्यादा, बट आप सीख क्या रहे हो, आप ये सीख रहे हो कि अगर जो भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हमें किस तरह से लिखना है ना, क्योंकि आंसर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी न्यूमेरिकल। आप आंसर ठीक निकालते हो बट उसको गलत फॉर्मेट में लिख देते हो तो आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे, आपको वो नंबर नहीं मिलेंगे। और महाराष्ट्र सीईटी में आपके केमिस्ट्री के टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, सबके मार्क्स जो होंगे वो 1 नंबर का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही है ना। उसमें से भी 80% कोर्स आपका कहाँ से आएगा, क्लास 12 से, और केवल 20% कोर्स जो है वो क्लास 11 से आएगा। चलो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखते हैं, सेम रूल्स हैं एक्सपोनेंशियल नंबर्स के जो हमने पहले किए, तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल्स पे आ जाऊं। तो मुझे क्या करना है बच्चों, इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई करना है ना। तो जितने भी एक्सपोनेंट का पार्ट है, जैसे कि 10 की पावर 5 और 10 की पावर 8, वो एक साथ लिख देंगे और इसको हम एक साथ लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब तो मुझे पता है जब हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 5 + 8 यहाँ पे 10 की पावर पे आ गया, साथ ही साथ 5.6 × 6.9 ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट 5 + 8 कितना हुआ 13, इसको अभी भी मुझे मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बट यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक यूनिट के बाद में, एक यूनिट के बाद में डेसिमल नहीं है, यहाँ पे 38 आप जब 2 यूनिट लिख ले रहे हो तो उसके बाद आपका डेसिमल गिर रहा है, और डेसिमल होना कहाँ चाहिए, यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, इसको 10 से डिवाइड, इसको 10 से डिवाइड एक सेकेंड लेट मी चेंज द पेन। तो मैं क्या करता हूं, इसको 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा वैल्यू में, है ना। ये वैल्यू क्या करेगी, ये वैल्यू डेसिमल पॉइंट को खिसका के यहां ले जाएगी, और यहां पे ये जो 10 बचा रह जाएगा ये इसकी पावर को इंक्रीज करेगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, 10 की पावर 13, क्योंकि ये 10 जो है जिसका एक्सपोनेंट 1 था ये 13 के साथ जुड़ चुका है, और साथ ही साथ इस डिनोमिनेटर के 10 ने क्या किया है कि डेसिमल को शिफ्ट करके यहाँ ले गया, सही है, ये सब तो आपको पता ही है। खैर तो मेरा आंसर क्या हुआ, मेरा आंसर फाइनली साइंटिफिक नोटेशन में वो क्या था, n × 10 की पावर n, इस फॉर्मेट में मुझे लास्ट आंसर अपना देना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन, तो 3, 4, 5 क्वेश्चन है, आप कैसे करोगे। देखो मैं आपको मैथ नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आंसर लिखना कैसे। तो 1, 10, 100,
हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख, तो लैख जब यहाँ पे गिरता है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 1.86 लैख है ना, और ये क्या होता है 1.86 लैख, 1.86 इंटू लैख का मतलब 10 की पावर 5, तो दिस इज द आंसर साइंटिफिक नोटेशन में, है ना। तो सोल्यूशन लेते हैं, पहला सोल्यूशन क्या है 1.86 इंटू 10 टू द पावर 5। नेक्स्ट 4007 मुझे लिखना है, तो अगर 4007 लिखना है मुझे, मैं एक बताता हूँ आप बाकी ट्राई करना, ठीक है। तो मुझे डेसिमल पॉइंट कहाँ चाहिए, यहाँ पर चाहिए। तो अगर मुझे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, 10 की पावर 3 से डिवाइड और 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये तो आपका एक्सपोनेंट में चले जाएगा और ये क्या करेगा, एक डेसिमल ले आएगा इस पोजीशन पर, है ना। तो मेरा आंसर क्या होगा, 4.000 × 10 की पावर 3, आपको समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं मेरा आंसर क्या है, 6.8 × 10 की पावर 3, इसको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे डेसिमल बहुत पहले लगा हुआ है, डेसिमल मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए, है ना। पहला सिग्निफिकेंट नंबर तो होना ही चाहिए सिस्टम में, तो मैं क्या करूँगा, अब डेसिमल को मुझे इधर की तरफ अगर लाना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके 10 की पावर कितनी, 1, 2, 3 डिजिट तक लाना है ना, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3। अब ये न्यूमरेटर में जो 10 की पावर 3 है वो क्या करेगा, डेसिमल को खींच के ले आएगा 6.8 तक, और ये जो 10 की पावर 3 आपने डिनोमिनेटर में देखा है, 10 की पावर 3 आपने जो डिनोमिनेटर में देखा है उसका पावर कितना हो जाएगा, -3 जब ये ऊपर आएगा, तो व्हाट शुड बी द आंसर, 6.8 × 10 टू द पावर -3, राइट। नेक्स्ट ये क्या है, 7 × इसको देखो, 7 × 10 की पावर 2, ये बेसिकली क्या है 700.0, मतलब 700। तो 700 को कैसे लिखोगे, 7 × 10 की पावर 2, राइट। आगे बढ़े तो वैसे ये भी आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो आई होप कि हमें, हेलो अभिजीत कैसे हैं आप, है ना, जो भी आपको डाउट्स आते हैं अभिजीत आप पूछिए, और बच्चे जब जैसे जैसे जुड़ते जाएं अपना डाउट पूछते जाइए। नेक्स्ट स्लाइड में आए, तो नेक्स्ट स्लाइड में सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप सब समझते हो बच्चों कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो ऐसे ही बस चलता फिरता सब्जेक्ट चैप्टर है, उसको जाने देंगे चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको आंसर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग देने हैं। तो आप अगर आंसर अपना निकाल भी लेते हो सही और सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो वो आंसर बच्चों आपका गलत हो जाएगा, सही है ना। तो लेट्स गो फॉर इट, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं कैसे देखेंगे। पहली स्लाइड में आए, सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, देखो अंग्रेजी में इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर्स का मीनिंग क्या है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू हो, सर्टेनिटी हो, कोई मीनिंग हो, है ना। तो वो वैल्यूज जिसकी कुछ ना कुछ मीनिंग बनती हो उसको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, जो सर्टेनिटी से एक्सप्रेस किया जा सके, ठीक है। हम तरह तरह के एक्सपेरिमेंट तो करते रहते हैं और वैल्यूज निकालते रहते हैं, कई बार वैल्यूज में डेसिमल पॉइंट बहुत आगे तक जाता है, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की जानकारी होनी चाहिए। तो हम कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू किसके ऊपर बेस्ड होती है, वैल्यू बेस्ड होती है आपका इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। लैब में हमने काफी इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारी वैल्यूज निकाली होंगी, जैसे वर्नियर कैलिपर, फिजिक्स में आपने किया होगा ना वर्नियर कैलिपर से एक्सपेरिमेंट। तो वर्नियर कैलिपर बच्चों कोई 100% एक्यूरेट सिस्टम तो है नहीं, 100% एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, तो वहां पर एरर आते हैं, है ना। अब एरर बड़े हो सकते हैं और एरर छोटे भी हो सकते हैं, तो एरर जितना छोटा होगा मतलब जितनी भी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, मैं बोलूंगा सिस्टम में प्रेसीजन उतना ज्यादा है, सिस्टम उतना प्रिसाइज है। अगर मान लो मुझे 2 ग्राम वेट मेजर करना है और मेरा इंस्ट्रूमेंट मुझे वेट मेजर करके कितना दे रहा है, 1.999 ग्राम, तो मैं बोलूंगा कि मेरा इंस्ट्रूमेंट बहुत प्रिसाइज है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट होता तो 2 ग्राम हमको वेट देता वो मेजर करके, सही है ना। तो
एग्जैक्ट नहीं है वो क्या है, वो प्रिसाइज है, मतलब नियर टू द एग्जैक्ट वैल्यू है। तो एक सेकेंड वर्ड हमारे पास क्या आना चाहिए, तो प्रिसाइज का मीनिंग क्या हुआ, नियर वैल्यू। तो एक हमारे पास सेकेंड वर्ड क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए एक्यूरेट, है ना। प्रिसाइज का मतलब होता है नियर टू एक्यूरेट, मतलब नियर वैल्यू। एक्यूरेट का क्या मतलब होता है, एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम सेम वही वैल्यू जो हम एक्चुअल में मेजर करना चाहिए हमें, सही है। हाँ अभिजीत बोलिए, कहाँ पे डाउट है आपको लिख के बताइए। अभिजीत आपको कोई डाउट है तो आप लिख के बताइए, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ स्लाइड में। चलो सही है, तो एक्यूरेट का मीनिंग क्या है, एक्यूरेट का मीनिंग है एग्जैक्ट वैल्यू, जो वैल्यू होनी चाहिए वही वैल्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट में देर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना, किन वैल्यू में, कैलकुलेटेड वैल्यू में और इंडिकेटेड वैल्यू में, है ना। और उसको इंडिकेट कैसे किया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर से ही किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक आपको एनिमेशन देता हूँ, बड़ा मस्त सा एक बहुत ही बढ़िया शानदार मैंने एनिमेशन एक तैयार किया है आपके समझने के लिए। आपको अगर एनिमेशन अच्छा लगता है तो डाउट करके बताना, ठीक है। तो चलो ये देखो, मैंने एक डार्ट सिस्टम तैयार किया है ताकि मैं आपको प्रेसिजन और एक्यूरेसी के बीच में डिफरेंस समझा सकूं, ठीक है। डार्ट, इनको बोलते हैं डार्ट जो आप एरोस फेंकते हो ना, और इसको बोलते हैं टारगेट बोर्ड, जहां पे आपको टारगेट में डार्ट को सेट करना है। हमारा टारगेट कहाँ होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए सेंटर में, मुझे जो डार्ट फेंकना है वो या के सेंटर पे आके लगना चाहिए, ठीक है। और ये जो रेड बाउंड्री है, ये जो आपकी रेड बाउंड्री जहां पे खत्म हो रही है, अगर मैंने डार्ट को फेंका और अगर सेंटर में नहीं गिरा लेकिन इस रेड सर्किल के अंदर गिरा, तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरा निशाना अचूक तो नहीं है, मतलब एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया है ना। तो देखो एक बंदा है, उसने ये तीनों डार्ट जो है वो फेंकी, और ये जो तीनों डार्ट है वो आके एकदम सेंटर पे लग गई, एकदम आके सेंटर पे बैठ गई, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या, कि वो पहली बात तो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है, कितना प्रिसाइज, 100% प्रिसाइज। और जो चीज 100% प्रिसाइज है वो क्या है, एक्यूरेट है, सही है ना। अभी देखो इस डार्ट सिस्टम को देखो, एक और बंदा है, उसने भी ट्राई किया बेचारे ने, लेकिन उसने क्या किया, उसने प्रिसाइज तो लगाया निशाना लेकिन वो सेंटर को मिस कर गया। अगर वो सेंटर को मिस कर जाता है तो मैं बोलूंगा कि ये तीनों डार्ट जो हैं उसके प्रिसाइज तो हैं क्योंकि रेड सर्किल के अंदर में, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो मतलब प्रेसिजन कितना है, 99% प्रेसिजन है, 95% प्रेसिजन है, 90% प्रेसिजन हो सकता है, बट एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो एक्यूरेट का मतलब 100% प्रेसिजन, ठीक है। अब ये देखो, एक 30 मार्क वहां आ रहे हैं, उन्होंने तीन डार्ट यहां फेंके और तीनों ही आसपास भी नहीं गए इस रेड सर्किल के, तो मैं बोलूंगा ना तो ये एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। बोलो समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताओ जल्दी से। मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट स्लाइड पर, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू और प्रिसीजन वैल्यू के लिए, है ना। एक वेट मैंने मेजर किया, और वो वेट जो है उसका जो वेट है वो एग्जैक्ट वेट, मतलब ट्रू वैल्यू जो है वो 2 ग्राम्स है। 2 ग्राम का मैंने एक वेट लिया, कौन सा, ये ब्लॉक 2 ग्राम का है, कितने का, 2 ग्राम का, है ना। अभी क्या करना है, कि आपको तीन स्टेटमेंट होंगे, एक स्टेटमेंट नंबर 1 ये है, स्टेटमेंट नंबर 2 ये है, और स्टेटमेंट नंबर 3 ये है। ये तीनों जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो एक स्टूडेंट ए के लिए है, एक स्टूडेंट बी के लिए है और एक स्टूडेंट सी के लिए है। ये तीनों क्या कर रहे हैं, कि अपने अपने इंस्ट्रूमेंट से इस 2 ग्राम को मेजर कर रहे हैं,
तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट तो मेजर करेंगे नहीं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में कैसा होगा, कोई ना कोई डिफेक्ट, और ये जो डिफेक्ट होगा उसकी वजह से जो ए स्टूडेंट के पास इंस्ट्रूमेंट है वो 2 ग्राम को कितना मेजर कर रहा है, वो 1.95 ग्राम्स ही मेजर कर रहा है, और इसने एक और रीडिंग ली तो वही 2 ग्राम, यहां पर 1.93 ग्राम मेजर किया जा रहा है। तो एवरेज वैल्यू जो है वो कितनी होगी ए की, 1.94। तो उसकी जो एवरेज रीडिंग होगी वो कितनी होगी, 1.94, और एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, 2 ग्राम। तो ये प्रेसीजन से बहुत ज्यादा दूर हुआ कि नहीं हुआ, है ना, 2 ग्राम मेजर करने की जगह ये कितना मेजर कर रहा है, 1.94 ग्राम। तो 0.06 ग्राम का डिफेक्ट आ रहा है। बी को देखते हैं, एक बार उसने कितना मेजर किया, 1.94, और दूसरी बार कितना मेजर किया, 2.05। तो बी की जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी है, बी की एवरेज वैल्यू है 1.99 के आसपास। मतलब बी जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है ऐसे, मतलब बी का इंस्ट्रूमेंट इज मोर एक्यूरेट देन दैट ऑफ ए, क्लियर है इतना। लेकिन सी की बात ही अलग है, वो तो बहुत शानदार तरीके से मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट लेकर आया है, और उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना मेजर कर रहा है, 2.01 मेजर कर दे रहा है 2 ग्राम को, मतलब बहुत ही एक्यूरेट माना जाएगा, है ना। और यहां पर भी 1.99, तो एवरेज कितना हुआ सी का, इन दोनों का 2.01 प्लस 1.99 होल डिवाइडेड बाय 2, कितना आया, एग्जैक्टली 2 मेजर करता है। तो मैं बोलूंगा कि सी जो है वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो आंसर इज सी। मुझे क्या बताना था कि इन तीनों में कौन प्रिसाइज और एक्यूरेट है, समझ में आया ये चीज। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारा जो भी आंसर है उसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं वो हमें डिटरमाइन करना है, सही है। तो फर्स्ट इज, पहला रूल क्या है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, याद रखना, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि अगर हम लोग ये एग्जांपल लें, सही है, अगर हम लोग ये एग्जांपल लें तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 285 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 285 सेंटीमीटर में कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 2 भी नॉन जीरो है, 8 भी नॉन जीरो है, और 5 भी नॉन जीरो है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 3। कौन कौन से, 2, 8 और 5, ये तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। समझ में आता है, समझ में आता है ये चीज। थोड़ा फास्ट पढ़ाओ सर, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा फास्ट पढ़ाने की, बट आपको समझ में आए, ये मेरा पहला मोटिव है। तो देखते हैं, चलिए, ओके। जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब इसका क्या हुआ, देखो, 3 से पहले यहां पर जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे जीरो हैं, तो जितने भी जीरो पहले नंबर से पहले होंगे उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। जैसे कि यहां पे देखो, पहले जीरो आते हैं लेकिन नॉन जीरो नंबर कौन सा है, पहला 5, उसके बाद 2, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 1, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 2, क्लियर है इतना। नेक्स्ट उसमें आते हैं स्लाइड में, जितने भी जीरोस दो नॉन जीरो के बीच में पड़ जाएं उनको क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, ठीक है। उन जीरोस को भी सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे जो नॉन जीरो के बीच में फंस जाए। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये भी नॉन जीरो नंबर है, ये भी नॉन जीरो है, तो इनके बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे रूल्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपको आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर प्रोवाइडेड दे आर राइट साइड ऑन द डेसिमल पॉइंट। देखो, जैसे कि यहाँ पे पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है, 2, लेकिन उसके बाद दो आपके जीरो हैं, तो जितने भी जीरो आपके राइट हैंड साइड की तरफ होंगे लेकिन एक डेसिमल पॉइंट के बाद होंगे,
वो भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट जीरो सॉरी 200 में कितने सिग्निफिकेंट फू है? पहला सिग्निफिकेंट फिगर तो नॉन जीरो नंबर, क्योंकि डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ पर है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद पहला जीरो जो है वो ये गया, दूसरा जीरो जो है वो ये गया, तो टोटल कितने हो गए? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट स्लाइड। उन जीरोस का क्या जो कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में नहीं है? बोलो, द जीरोस मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ऐसा हो सकता है कि वो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सिग्निफिकेंट फिगर ना हो। जैसे कि हम ये नंबर लेते हैं 1500 ग्राम। 1500 ग्राम में अगर ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर हुए हैं तो देयर शुड बी फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मान लो इनमें से एक जीरो एक जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हुआ तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और अगर एक और जीरो सिग्निफिकेंट फिगर ना हुए तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर्स होंगे। लेकिन सही आंसर क्या है सोचो, सही आंसर क्या है सोचो जरा और बताओ, कमेंट करो। सही आंसर देखो क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लोग 1500 को डिनोट करते हैं तो क्या होता है? 15 × 10 की पावर 2। तो जब 15 × 10 की पावर 2 आप लिख रहे हो है ना, तो ये तो एक्सपोनेंट में चला गया, और जो कोफिशियंट एन है उसको वैल्यू कितनी मिली? 15। तो जब कोई भी चीज साइंटिफिक नोटेशन में लिखी जाती है ना, तो जितना भी एक्सपोनेंट में है उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट 4। अभिजीत जी आपका आंसर बेटा गलत है। रीजन उसका ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सपोनेंट में जितने भी जो भी पार्ट आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट नहीं होता, वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिना जाता। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना होना चाहिए? वैल्यू तो है 15 × 10 की पावर 2, लेकिन उसमें सिग्निफिकेंट केवल 2 है, क्योंकि ये तो एक्सपोनेंट पार्ट हो गया ना, और कोफिशियंट में केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मेरा आंसर भी कितना होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क कर लेना। एक्सपोनेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। लास्टली हम क्या एम्फेसाइज कर रहे हैं है ना, लास्टली इट मे बी एम्फेसाइज दैट एग्जैक्ट इंटीग्रल नंबर्स, जो कि एग्जैक्ट इंटीग्रल्स हैं है ना, जैसे कि टू टू बॉल्स, या तो मान लो 20 eggs, ये दोनों क्या है? एग्जैक्ट नंबर्स हैं है ना, एग्जैक्ट इंटीग्रल्स हैं। तो एग्जैक्ट इंटीग्रल्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है, जैसे मुझे 2 लिखना है तो मैं एग्जैक्ट अगर इंटीजर है तो केवल 2 लिख के नहीं बैठ जाऊंगा, इसको मुझे एक्चुअल में ऐसे लिखना चाहिए 2.000 अप टिल इन्फिनिटी है ना। वैसे ही मान लो 20 eggs है तो मुझे ऐसे ही लिख के नहीं बैठ जाना है, मैं इसको कैसे डिनोट करूंगा? 20.000 एंड सो ऑन। सही है, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों कितना होगा बताओ? अभिजीत जी बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, आप आंसर दीजिए जल्दी से, मैं वेट करता हूं। बोलो जल्दी से बच्चों, कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर? देखो ये जीरोस कभी भी रुके तो है नहीं है ना, ये जीरोस कभी भी रुके तो है नहीं, ये तो चलते चले जा रहे हैं। और डेसिमल पॉइंट मतलब पहला नॉन जीरो नंबर के बाद में जितने भी जीरोस आएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं है ना, तो डेसिमल पॉइंट के बाद में सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स भी काउंट होंगे, वो तो इनफाइनाइट है नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी कितने हुए? इनफाइनाइट। सही है अभिजीत जी, समझ गए? आंसर 1 नहीं है अभिजीत, आंसर है इनफाइनाइट। फिर से मैं बता देता हूं, जो भी एग्जैक्ट इंटीग्रल्स हैं
है ना, उनको कैसे लिखा जाना चाहिए। मान लो एग्जैक्ट इंटीजर इंटीग्रल है मेरे पास 2, तो मुझे यहाँ 2 नहीं लिखना है, बस यहाँ पे मुझे लिखना है 2.000 अप टिल इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन अभी आपने लास्ट रूल क्या पढ़ा था कि डेसिमल के बाद में राइट हैंड साइड पे जितने भी जीरोस गिरेंगे उनको क्या बोला जाना चाहिए, उनको भी सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट किया जाना चाहिए। तो जब भी हम इनको सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट करेंगे तो जीरोस तो इनफाइनाइट है ना बच्चों, तो जीरो अगर इनफाइनाइट हुए तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, वो भी इनफाइनाइट होंगे। आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट स्लाइड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं सिखा रहा हूं, आपको आता है वो, मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर सिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, अगर रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर देन डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, देन दैट एट ओरिजिनल नंबर विच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन इट, है ना। स्टेटमेंट आपके पास है, मैं इसका आपको ट्रू मीनिंग बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने क्या किया, 12.11 को ऐड कर रहा हूँ किसके साथ में, 18.0 से। और क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, पॉइंट सॉरी 01, 0.012। अभी इसको ऐड करने के लिए मेरे पास आंसर क्या हो गया, मेरे पास आंसर हो गया 31.122, ठीक है। लेकिन सोचो इन तीनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर्स किसके पास थे, इस व्यक्ति के पास में था, है ना। दिस गाय हैज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सही है। और डेसिमल के बाद में केवल एक डिजिट है यहां पर, कितना, 0 पॉइंट, सॉरी पॉइंट के बाद 1 जीरो। तो मुझे आंसर भी किसमें देना चाहिए, मुझे आंसर भी देना चाहिए, आंसर भी मुझे बस डेसिमल के बाद में एक डिजिट तक ही देना है। तो व्हाट शुड बी द आंसर, ओनली 31.1, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी मुझे देखो, मस्ट बी रिपोर्टेड विथ नो मोर सिग्निफिकेंट एज देयर आर इन द मेजरमेंट विथ द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। मीनिंग समझते हैं, जैसे मैंने इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर क्या है, 3.125, सही है। मेरा आंसर कितना है, 3.125। अभी देखो 2.5 में दो सिग्निफिकेंट फिगर थे लेकिन डेसिमल के बाद में एक था, तो देयर शुड नॉट हैव मोर देन टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो मतलब अगर 2.5 में दो सिग्निफिकेंट फिगर थे तो मेरा फाइनल आंसर में भी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, क्योंकि इसमें तो तीन थे, इसको हम नहीं देखेंगे, हमें किसको देखना है, इसको। जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही आंसर मुझे मल्टीप्लिकेशन में देने हैं। आंसर कितना हुआ, 3.1। नेक्स्ट स्लाइड, राउंडिंग ऑफ, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें राउंड ऑफ करके कोई आंसर देना है तो कैसे देंगे, देखें, द डिजिट्स ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ अ नंबर मे बी रिमूव्ड, है ना। इफ द राइट मोस्ट नंबर डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, द प्रिसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। वैल्यूज में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये राइट मोस्ट नंबर कौन सा है, 6। राउंडिंग ऑफ में हम क्या करते हैं, ये राइट मोस्ट नंबर को हटा देते हैं। अब राइट मोस्ट नंबर को हटाने के लिए हमें क्या देखना चाहिए कि ये राइट मोस्ट नंबर 5, मतलब 5 से बड़ा है कि नहीं। अगर ये 5 से बड़ा है तो राइट मोस्ट नंबर के जो नेक्स्ट नंबर है उसको हम 1 वैल्यू से बढ़ा देते हैं, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1.39। बहुत ही सिंपल सी बात थी, मैं आगे बढ़ूं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5 देन द प्रिसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड, सही है। जो भी प्रीसीडिंग नंबर है वो चेंज नहीं होता। अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ना, अगर मान लो मेरे पास एक सेकेंड, अभी इस स्टेटमेंट को मत देखो, अभी इसको देखो, थोड़ा पीपीटी में एक लाइन पहले आ गई है। अभी
ये क्लास अभी 2021 के लिए भी है और ये 2020 के लिए भी बहुत यूजफुल है। अक्षत जी, अक्षता जी, है ना, तो आप यहाँ से भी एमएचटी सीटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे आप 2020 के लिए बैठ रहे हैं या 21 के लिए बैठ रहे हैं। ऑब्वियसली 2020 के लिए इतना कोर्स जल्दी नहीं हो पाएगा, तो आप मान के चलिए कि 2021 के लिए इट विल बी वेरी यूजफुल, आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, है ना। अगर आप केमिस्ट्री पूरा कोर्स पढ़ते हो तो आपके हर एक डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, और साथ ही साथ ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे एमएसटी सीईटी एग्जाम में, है ना। तो हम लोग आते हैं, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, नंबर अगर लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। इस एग्जाम्पल पर आते हैं, तो लास्ट में नंबर कौन सा है, इसको हमें रिमूव करना है। लास्ट में नंबर है 4 जो कि है लेस देन 5, तो 3 का 3 ही बना रहेगा, तो आंसर मेरा कितना होगा 4.33, सही है। अभी एमएसटी सीटी की एग्जाम डेट्स 2020 के लिए अनाउंस होंगी, एक्चुअली कोविड-19 की वजह से एडुकेशनल इंडस्ट्री बहुत डिस्टर्ब्ड हुई है, और ज़्यादातर जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं एमएसटी सीटी आईआईटी जेईई नीट सबको पोस्टपोन्ड किया गया है, है ना। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट्स डिसाइड कर रही हैं कि हमें इस दिन पे अब सेफ है, तो मुझे सेफ लग रहा है तो मैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता हूँ, तो इस हिसाब से अभी डेट्स आनी बाकी हैं। तो एमएसटी सीटी के लिए भी शायद आज या कल में रिजल्ट्स नहीं डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसके लास्ट में ना ही लेस देन 5 है और ना ही ग्रेटर देन 5 है, एग्जैक्टली 5 है, तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। एग्जैक्टली 5 है तो मुझे क्या करना चाहिए कि जो सेकेंड लास्ट नंबर है उसको बढ़ा देना चाहिए, कितने से, एक वैल्यू से। जो अगर 3 था तो उसको हम क्या कर देंगे 4, लेकिन ऐसा केवल होगा जब सेकेंड लास्ट नंबर हमारा कैसा होना चाहिए, इवन होना, सॉरी ऑड होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको वो भी दिख जाएगा, इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, है ना, देन द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज, मतलब प्रीसीडिंग नंबर को चेंज नहीं किया जाता अगर वो इवन नंबर है। लेकिन यहाँ पे प्रीसीडिंग नंबर क्या था, 3, ये तो ऑड है, तो 5 आने पर हम लोग ऑड नंबर को एक से इंक्रीज कर देंगे, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 6.4। लेकिन मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, तो देखो ये 6.4 ये पहला एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। लेकिन मान लो मेरे पास अगर ऐसा कुछ होता 6.45 मेरे पास आंसर होता, है ना, तो मुझे क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, तो लास्ट नंबर क्या है, सिक्स पॉइंट फोर फाइव अगर करना होता तो लास्ट नंबर मेरे पास क्या है, लास्ट नंबर मेरे पास एग्जैक्टली 5 है, लेकिन सेकेंड लास्ट नंबर क्या है, ऑड, सॉरी इवन, तो मेरा आंसर क्या होगा 6.4, वहां पर मैं वैल्यू इंक्रीज नहीं करूंगा, क्लियर है इतना। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यूज है इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके बताना है, है ना, लेकिन राउंड ऑफ करके। तो पहले राउंड ऑफ में मुझे केवल 3 डिजिट तक बताना है, तो आंसर क्या होगा मेरा, अगर 3 डिजिट तक मुझे डेसिमल के बाद में बताना है तो ये 3 डिजिट तो रहेंगे, लेकिन लास्ट वाला राउंड ऑफ हो सकता है, तो मुझे क्या करना है कि 7 के बाद वाली डिजिट देखनी है, तो 7 के बाद वाली डिजिट जो है वो तो 8 है, 5 से ज़्यादा है, है ना, 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 8 को मैं चेंज करना चाहिए, लेकिन वो तो हट जाएगा क्योंकि मुझे आंसर तो केवल 3 डेसिमल पॉइंट तक देने हैं, तो मैं 7 को 8 कर दूंगा, मतलब 7 की एक वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये 6.4 फाइनली, हाँ 6.4, तो ये कितना आ जाएगा 5.608, बहुत बढ़िया अभिजीत, है ना। नेक्स्ट बताओ आंसर अभिजीत, अभिजीत जी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आंसर बताइए। आपको इस बार क्या करना है, 2 डेसिमल डिजिट तक ही आंसर देना है, क्या होगा,
ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपको केवल दो डिजिट तक ही आंसर देना है, व्हाट शुड बी द आंसर। देखो ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू तो 2 है ना, 5 से कम है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 32.39। नहीं नहीं अभिजीत, आपको एक डेसिमल तक नहीं देना है, आपको दो डेसिमल तक आंसर देना है। आपका 32.4 आंसर सही है, बट वो वन डेसिमल के बाद केवल एक वैल्यू आ रही है ना, आपको दो वैल्यू तक देना है ना। नहीं डेसिमल के बाद अभिजीत, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद मतलब 32 के यहां पे डेसिमल गिर रहा है ना, तो इसको तो आप नहीं कुछ कर रहे, लेकिन डेसिमल के बाद दो वैल्यू तक आंसर देना है। तो डेसिमल के बाद अगर हमें दो वैल्यू तक आंसर देंगे तो क्या होगा, पहला तो फिक्स है 3, लेकिन उसके बाद 9 होगा कि बढ़ के 32.4 हो जाएगा। देखो इस वैल्यू पे जाओ, ये वैल्यू कितनी है, मुझे दो वैल्यूज रखनी है ना डेसिमल के बाद में, तो मैं थर्ड वैल्यू पे जाऊंगा, थर्ड वैल्यू में चेक करूंगा कि वो 5 से कम है कि ज्यादा। फिलहाल यहाँ पे वैल्यू जो 2 है वो 5 से कम है, तो मैं 9 को 9 ही लिख दूंगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, तो मेरा आंसर क्या होगा, 32.39। ठीक है, नेक्स्ट। तो मैंने क्या किया, लास्ट के दो डिजिट्स को ड्रॉप कर दिया इधर पे, क्योंकि वो लेस देन 5 थे। चलो आते हैं एक और एग्जांपल में आते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ दिस गाय प्लस दिस गाय, करें बताओ। चलो आंसर क्या है बताओ, तो आंसर है हमारा 3.388 kg। ठीक है, आपको एडिशन का रूल तो पता ही है, आंसर मुझे किसमें देना है, केवल जो छोटा वैल्यू है जिसमें कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो वहां डेसिमल के बाद जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना तक, तो मेरा आंसर कितना होना चाहिए, केवल 2 तक। लेकिन अब मैंने राउंड ऑफ तो सीख लिया है ना, तो ये 8 8 है, तो मुझे लास्ट को ओमिट करना है, इसको ओमिट करना है, तो क्योंकि ये वैल्यू 5 से ज्यादा है ना, तो मुझे क्या आंसर देना चाहिए, 3.39। 3.88 तो अभिजीत आप राउंड ऑफ करना भूल गए, अब तो राउंड ऑफ सीख लिया ना हमने, तो अब हम लोग आंसर्स अपना किस में देंगे, राउंड ऑफ में देंगे। पहले राउंड ऑफ सीखा नहीं था तो इसीलिए हमने राउंड ऑफ की बात नहीं की थी, अब तो राउंड ऑफ सीख गए ना हम लोग। चलो तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, समाप्ति की घोषणा करते हैं, है ना। मैं आपको पहली स्लाइड में लेके जाता हूं, है ना। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी आपके रिलेटेड डाउट है। कल अभिजीत जी, कल इसी की क्लास होगी स्टोइकोमेट्री की, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, है ना। सबसे पहले हम लोग एटम्स के बारे में जानेंगे, फिर एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे, फिर मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। मोल कॉन्सेप्ट के बाद में हम लोग मॉलिक्यूल्स पर आएंगे, मॉलिक्यूल्स का मास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, इन सब के बारे में सीखेंगे एकदम बेसिक से, है ना। अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं भी है तो भी ये आपके लिए क्लास एकदम सफिशिएंट रहेगी, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। आप नहीं आती है तो आप मेरे को डायरेक्ट पूछो लाइव चैट पर, है ना। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अभी भी अगर थैंक यू अभिजीत, पढ़ के मजा आया, और ऐसे ही आपको मजा आता रहेगा, और आपके साथ में और भी स्टूडेंट्स होंगे अभिजीत, उनको अगर डेडिकेटेड एमएसटी सीईटी के लिए प्रिपेयर करना है ना,
तो आप उनको भी इनवाइट कीजिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज मिलेगी और एकदम ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो प्राइसेस की चिंता नहीं होनी चाहिए, एडुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल एवरीबडी, राइट। तो आप हमें टेलीग्राम ऐप में भी ज्वाइन कीजिए, है ना। तो मैं अगर बताया जाए तो आज हमने स्टॉइशोमेट्री करा, मैं समअप करके क्लास को ख़त्म करता हूँ। आज हमने स्टॉइशोमेट्री पढ़ा, स्टॉइशोमेट्री में हमने एकदम बेसिक चीज़ें क्या देखी कि कभी भी हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ भी सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर्स आते हैं। आंसर्स को हमें किस नोटेशन में लिखना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहिए, प्लस सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। देयर आर रूल्स जिसके बेसिस पे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजर करते हो और उनको एक्सप्रेस करते हो, राइट। तो वो रूल्स हमने डिस्कस किए आज। कल हम लोग एटम्स के बारे में जानेंगे स्टोइशोमेट्री में, और धीरे धीरे करते हुए हम लोग एक्चुअल में स्टोइशोमेट्री किससे रिलेटेड होती है, एक इक्वेशन में कितने मोल्स किसी के कंज्यूम हुए और कितने मोल्स किसी के एक्सेप्ट हुए इसकी होती है। तो हम लोग फाइनली लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, इन सब के बारे में पढ़ने के लिए एक बेस बना रहे हैं, और इसी तरह से हमारा चलता रहेगा तो कोर्स भी टाइम पे कंप्लीट होगा। और आप प्लीज, हाँ, जरूर जरूर, अभी मोल कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होगा 1-2 दिन में, है ना। उसके मोल को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले हमें एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में भी जानना चाहिए। तो एक बार वो हो जाए उसके बाद हम लोग मोल्स के बारे में क्वेश्चंस भी करेंगे, एवरीथिंग करेंगे, आपको पूरा कंप्लीट पैकेज मिलेगा, ठीक है। मैं क्लास को रैप अप करता हूँ, आपकी नेक्स्ट क्लास है फिजिक्स की। यस सर, आपकी क्लास लेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ के, है ना। तो आप क्लासेस मिस मत कीजिए किसी की भी। चलिए, थैंक यू।